दस बज गए। पता है 10 बज गए। पता है तो उठो और कुछ नाश्ता बनाओ। और दिन तो बार बार पूछती रहती है और तुम बोलते रहते हो अभी रुको अभी रुको। बीच बात में फोन उठाना जरूरी है क्या? फोन नहीं उठा रही, टाइम देख रही हूँ। कहाँ जाना है? मुझे नहीं जाना है, किसी को आना है। आने वाला होगा कोई ससुरालिया। हाय हाय हे भगवान। मम्मी क्या हो गया तुम्हें, क्यों रो रही हो? पता नहीं किसका मुंह देख के निकली थी मैं आज घर से। टक्कर मार दी क्या किसी ने? अरे टक्कर मारे मेरे दुश्मन को, मेरा तो बीपी हाई हो गया होगा मम्मी। अरे नहीं तो फिर? पर छीन लिया क्या किसी ने? अरे तुम चुप रहोगे, मम्मी को बोलने दो। अरे मम्मी क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। अरे बेटी क्या बताऊं, बस से उतर के तेरे घर की तरफ आ रही थी सीधी, पता नहीं कुत्ते ने काट लिया अचानक से। कुत्ते ने काट लिया? अरे किसका कुत्ता था? किसका क्या आवारा होगा। हे भगवान, तब तो हमें इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ेगा। चलो मम्मी। अरे इंजेक्शन तो तू बाद में लगाइयो, पहले पानी लेके आ मेरे लिए, भाग भाग के मेरा गला सूख गया है। हाँ हाँ मैं अभी लाती हूँ, तुम बैठो। हाँ तुम बैठो। हे भगवान ये क्या हो गया बताओ, ऐसे कोई कुत्ता काटता है क्या? ये लो मम्मी पानी लो, और तुम घबराओ मत। और सुनो तुम जल्दी से ही अपना ये फाइल वाइल बंद करो और जल्दी से चलो, मम्मी को इंजेक्शन लगवाने जाना है। आज नहीं लग पाएगा इंजेक्शन। क्यों? क्यों क्या, संडे है, डिस्पेंसरी बंद है, कल खुलेगी तो लग जाएगा। अरे डिस्पेंसरी बंद है दमा जी तो क्या हुआ, प्राइवेट अस्पताल तो खुले हैं, वहाँ ले चलो। प्राइवेट अस्पताल महंगा पड़ेगा। अच्छा मेरी मम्मी को कुत्ते ने काट लिया है और तुम सस्ता महंगा देख रहे हो? कुत्ते ने काटा है, सांप ने नहीं, कल तक इंतजार कर सकती है। बस आप यही मनाते रहो तो एक दिन सांप भी काट जाएगा। अरे मम्मी क्यों अनाप शनाप बोल रही हो, मैं हूँ ना, मैं लेके चलूंगी तुम्हें इंजेक्शन लगवाने के लिए। अब 10 मिनट रुक जा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है पैर में, तो एक काम कर जरा चाय बिस्किट तो ले आ। हाँ हाँ मैं अभी लाती हूँ। अपनी मम्मी के टाइम पे तो पैर में पहिए लग गए तुम्हारे, और मैं सुबह से कह रहा था चाय बना लो तब कान पे जू नहीं रहेंगी तुम्हारे। अरे क्यों झगड़ रहे हो आप हैं, जरा सी तो बात है, चाय ही तो बनानी है, दो ले आएगी। दो चाय नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? अरे दूध खत्म हो गया है, और अगर चाय पीनी है तो बाहर से दूध ले आओ। अपनी मम्मी के लिए दूध है, मेरे लिए नहीं है। अरे तू जा बेटी इनके लिए बना ला पहले चाय। ठीक है चाय बना दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि तुम अभी के अभी मम्मी को अस्पताल लेकर जाओगे इंजेक्शन लगवाने के लिए। क्यों जबरदस्ती कर रही है तू? मम्मी मैं बात कर रही हूँ ना, तुम चुप रहो। अरे बोल तो रहा हूँ कल लग जाएगा इंजेक्शन। नहीं आज लगेगा। करोगी जिद? हाँ करूंगी। अरे भूल गए, जब तुम्हें बंदर ने काटा था मेरे मायके में, तो कैसे मेरे पापा तुम्हें तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए थे इंजेक्शन लगवाने के लिए? हाँ उसी प्राइवेट हॉस्पिटल का इंजेक्शन लगवा के तो ये हाफ प्लेट हो गया मैं। लेकिन बाल तो आपके पहले से ही झड़ रहे थे। पहले 10-12 बाल गिरते थे रोज, लेकिन उस इंजेक्शन के बाद क्या हुआ, 1 महीना नहीं लगा अक्षय खन्ना बनने में। जो बात बीत गई उसे उखाड़ना जरूरी है क्या? अभी जो बात इम्पोर्टेंट है वो करो। नहीं नहीं बेटी रहने देते हैं, कल चलेंगे सरकारी में, कहीं मुझे गलत इंजेक्शन लग गया तो मेरा क्या होगा? होना क्या है, पूरी जिंदगी टांट पे पल्लू चिपका के रहिएगा आप। देख रही है तू? मम्मी फालतू डरने की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन तो लगेगा। हमें क्या पता कुत्ता सही था या पागल था, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो। हाँ और नहीं तो क्या, कल को 5-5 बेटे ब्याने हैं तुमने, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कह तो तू सही रही है। क्या सही कह रही है, एक बात बताइए, इतनी उम्र हो गई आपकी, आपने कभी सुना कि कुत्ता काटने से कोई परलोक से धार गया हो? कुछ भी हो दामाद जी मैं रिस्क नहीं लूंगी। नहीं लेंगी तो जाइए अस्पताल और लगवाइए इंजेक्शन। तुम भी जाओगे साथ में? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? क्यों जाऊँ, सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूँ, 1 कप चाय तक पिलाई तुमने। तुम तो चाय के पीछे ही पड़ गए हो। अरे जब इतनी जिद कर रहे हो तो बना क्यों नहीं देती तू चाय? कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके कहने पे आपकी बेटी चाय बनाएगी फिर तो मेरी कोई इज्जत है नहीं। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं मुझे, मैं खुद बना लूंगा चाय। और हाँ अगर मेरे हिसाब से इंजेक्शन लगवाना है तो कल तक इंतजार करना होगा, वरना जल्दी का काम शैतान का होता है, बाकी आगे आपकी किस्मत। अरे जाओ जाओ, तुम इंजेक्शन लगवाने जाओगे तो क्या मेरी मम्मी को इंजेक्शन नहीं लगेगा? उठो मम्मी। ये क्या कर रही है तू? अपना हक ले रही हूँ मम्मी, और कभी कभी हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। इतने पैसे लगेंगे क्या इंजेक्शन में? अरे नहीं इंजेक्शन तो 500 का ही है, पर बाकी के पैसों से शॉपिंग भी तो करनी है, तू अपना इंजेक्शन लगवाना, मैं इतनी देर सूट देख लूंगी, क्या कहती हो? ठीक है ठीक है ठीक। बटुआ पड़ा होगा मेरा? यहाँ कोई बटुआ नहीं है। चल 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 चल।